जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंजॉय एनीथिंग पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी मॉडल पेपर एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियो सेट नंबर 18। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो पिछले क्वेश्चन आंसर थे उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अगर आप उसका जवाब देने में सक्षम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करके देखें और उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और आपको बता दें कि इस वीडियो के एंड में भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन आंसर खुद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत ने सबसे पहले टेलीविजन 1959 में कहाँ दिखाया गया था? तो भारत में सबसे पहले 1959 में टेलीविजन दिल्ली में दिखाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले टेलीविजन 1959 में दिखाया गया था, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कहाँ दिखाया गया था, तो वो दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एलपीजी के मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, यानी कि एलपीजी में मुख्यतः किन किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिश्रण से एलपीजी गैस तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, मार्टिन हिंगिस किस खेल से संबंधित है? तो मार्टिन हिंगिस टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेनिस खेल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से होता है? तो धारा 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका आंसर भी साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके आसानी से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ किसने किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसका सेशन काल रहा था सीजन 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का सीजन रहा था 1951 से 1956 तक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय 1882 में कहाँ स्थापित किया? तो वो किया अडडायर में, यानी कि अडडायर इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहले भारत की बात करें कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ इसका मुख्यालय बना था, तो वो बना था मुंबई में। और विश्व की बात करें तो विश्व में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी जीडी में या ट्रेडमैन में कप से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 से 4 नंबर के बीच में होते हैं। ठीक है, तो आप इस कप को अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यों शब्द किस खेल की शब्दावली है? तो क्यों बिलियार्ड्स जो गेम होता है उससे संबंधित है, तो बिलियार्ड से संबंधित है क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है, मैं फिर बता दूं।
और आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो महान चित्रकार थे मंसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंसूर, जो कि पक्षियों के बहुत बड़े महान चित्रकार थे। ठीक है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि मंसूर किसके दरबारी चित्रकार थे, तो वो थे जहांगीर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में ब्लैक होल की दुर्घटना कहाँ हुई थी? सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बंगाल में ही हुई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेशवा पद को किस मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था? तो वो बाजीराव के समय में पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, और पेशवा पद का मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? रसायन बंदरगाह का मतलब जहाँ पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन वगैरह जो आयात निर्यात होता है उसी को बंदरगाह, रसायन बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज, जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दहेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाजपेयी ताल किसने बनवाया है? तो वाजपेयी ताल इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है, जो कि 80 एकड़ पृष्ठभूमि पे फैला हुआ है। ठीक है, जो कि इंदौर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो वो किए थे मुंगेर में, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किए थे। और ये बंगाल के नवाब रहे 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम एक इजिप्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक दूसरा नाम इजिप्ट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और मैं हर रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करता हूँ, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर कर देना ऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चोल साम्राज्य किस राजा के शासनकाल में प्रगति पर था? तो वो था प्रथम चोल राजेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के समीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? तो वो होते हैं महालेखा परीक्षक, जिन्हें महालेखाकार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अलास्का की राजधानी क्या है? तो अलास्का की राजधानी जूनियो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जूनियो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको कोई भी प्रश्न कठिन लगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एथेंस 1896 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टीबी के उपचार के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्षय रोग भी है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। और ये पूछ देगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और टिहरी बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, और बात की जाए
फरक्का बांध जो कि मुर्शिदाबाद बंगाल में गंगा नदी पर बांधा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। और बात की जाए भागड़ा नांगल बांध, तो भागड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे स्थित है, ठीक है। और इसके पीछे गोविंद सागर जो कि मानव निर्मित सबसे बहुत बड़ा झील है और स्थित है, ठीक है, भागड़ा नांगल से ही गोविंद सागर झील का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिट्टी की कटाव का कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का कारण है जंगल की कटाई। अगर हम जंगल की बहुत ज्यादा कटाई कर दें तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत काफी बढ़ जाती है, ठीक है, और आजकल बढ़ी हुई भी है, और इससे हम लोगों को जंगल की कटाई में कमी करनी चाहिए, ठीक है। और हमारा आज का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं, जिसका आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जिस भाई ने उसका सही और सटीक आंसर दे पाए तो उनका अगली वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन आज का। आज का हमारा प्रश्न है, किस राज्य में अपनी बेटी अपना धन कार्यक्रम चलाया? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए और सटीक दे पाएंगे तो उनका अगली वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा, और 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक मिलती रहे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।